गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, ये एग्ज़ाम्पल देखा था हम लोगों ने। एक बार फिर से रिव्यू करते हैं इसको। देखिए, कैलकुलेट एम आर ऑफ बीम सेक्शन स्पानिंग ओवर सिंपली सपोर्टेड इफेक्टिव स्पान 9 मीटर। सेक्शन डिटेल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पहले विड्थ निकाला था, विड्थ ऑफ फ्लेंज, ठीक है ना। उसके बाद क्या माना था, न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में माना था, ठीक है, ये कंडीशन माना था, ठीक है, यानी कि एक्स यू लेस देन डी एफ, लेकिन ये एजम्पशन रॉन्ग हो गया था। फिर एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ माना था और डी एफ लेस देन इक्वल टू 3/7 एक्स यू, ये भी एजम्पशन रॉन्ग हो गया था। तो एक एजम्पशन से बचा हुआ था लास्ट में, वो भी माना, फिर वो सेटिस्फाई कर गया। तो अपना इस तरह से क्वेश्चन बना था, एम आर निकाला था हमने। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन। कैलकुलेट एम आर ऑफ द सेक्शन गिवन बिलो। तो ये जो बॉक्स सेक्शन दिया हुआ है ना, इसका एम आर अपने को निकालना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है ना कि आपको ये फ्लैंज सेक्शन में, जैसे ये फ्लैंज सेक्शन हो गया, ठीक है, तो मतलब कोई भी इस टाइप का सेक्शन हो जो कि थोड़ा उठपटा सा दिया हुआ, जैसे बॉक्स सेक्शन हो गया। और यहाँ देखिए, नोट में देखिए यहाँ लिखा हुआ है एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ टी एंड एल सेक्शन, ठीक है, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ टी एंड एल सेक्शन, बॉक्स सेक्शन, आई सेक्शन, इन्वर्टेड टी एंड इन्वर्टेड एल, U and inverted U section etc. are done by using procedure as illustrated in this chapter, ठीक है। तो सारा मतलब इस प्रोसीड्यूर से ही बनेगा, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा सेक्शन दिया हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा है तो उसको चेंज कर लो। जैसे U सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर U सेक्शन दिया है तो इसको क्या करोगे, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे ये देखो, अगर आपका कुछ इस टाइप से U सेक्शन दिया हुआ हो तो इस टाइप के सेक्शन को क्या करो ना, इस टाइप के सेक्शन को क्या करो, ये तो इतना मोटा एक्चुअली नहीं रहेगा, है ना, इसका विड्थ इतना, ये देखो, ठीक है, ये अगर ऐसा दिया है तो इस टाइप के सेक्शन को क्या करो कि देखो मैं बता रहा हूँ, इसको क्या करो ना कि ये जो नीचे था उस पोर्शन को ऊपर ले जाओ, ठीक है, ऐसे नहीं हुआ। ये देखो, ये सेक्शन दिया हुआ है यू सेक्शन, ठीक है, इस सेक्शन में क्या करना है, ये वाले सेक्शन, जैसे ये पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, है ना, तो इसको आप ऐसे बना दो और ये जो दोनों पोर्शन है जितना भी विड्थ दिया हुआ है दोनों को जोड़कर यहाँ कर दो, तो ये टी सेक्शन बन गया, हो गया। तो ये अपना हो गया विड्थ ऑफ वेब, है ना, बी डब्ल्यू, ये बी एफ, ये डी एफ, बस फिर सॉल्व कर लो, इसमें क्या है, ठीक है। तो यही बात हो जाती है, तो बिल्कुल इसको सिंपल बनाकर सॉल्व कर लो आप। तो देखते हैं ये कैसे किया हम लोगों ने। तो ये देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ था विड्थ दिया हुआ था बी एफ, है ना, सबसे ऊपर का, है ना, वो 200 mm, और तो डायग्राम में देख लो समझ में आ जाएगा, ये 200 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 50 50, तो पूरा कितना हो गया, 300 हो गया, 300 हो गया, ठीक है। ये दोनों जो था, इन दोनों को हमने ऐड करके बीच में डाल दिया, ठीक है, तो ये 50 था, ये 50 था, तो दोनों मिलाकर 100 हो गया, यानी कि ये क्या है, विड्थ ऑफ वेब है ना, विड्थ ऑफ वेब है, ठीक है, बी डब्ल्यू, ये बी एफ हो गया 300, ये क्या हो गया डी एफ, कहाँ से कहाँ हुआ, ये रिइंफोर्समेंट है इसके मिड पोर्शन से ऊपर तक का डिस्टेंस, यानी कि ऊपर कितना हो गया 50, ये 50 का आधा, यानी कि नहीं, ये बीच तक है, इसके मिडिल पोर्शन तक है, ठीक है ना। तो ये देखो, इफेक्टिव कवर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, 40, ठीक है, तो ये पूरे में से 40 बस माइनस करना है अपने को, ठीक है, पूरे में से 40 माइनस करना है, यानी कि 360 निकल आएगा अपना। एरिया दिया हुआ 325 mm², तो बाकी सब दिए हुए हैं क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले क्या करना होता है कोई भी क्वेश्चंस में, आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ता है, तो फॉर न्यूट्रल एक्सिस सी इक्वल टू टी करते हैं हम लोग, है ना, उसी टाइप से यहाँ पर सी इक्वल टू टी करेंगे, तो सी यानी कि 0.36 एफ सी के एक्स यू बी, है ना, 0.36 एफ सी के एक्स यू बी, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ पर बी एफ कर लेना, यानी कि बी यानी कि बी विड्थ ऑफ फ्लेंज, है ना, टी यानी कि 0.87 एफ आई एस टी, ये तो रटा हुआ है अपना, तो सारा कुछ नोन है, बस एक्स वाई अननोन होगा, तो एक्स वाई क्या निकलेगा यहाँ पर, एक्स वाई सॉरी एक्स यू अननोन होगा, तो एक्स यू निकलेगा 43.15 mm, ठीक है, जो कि छोटा आ रहा है डी एफ से, डी एफ अपना कितना है 50 mm, ये देखो यहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्लेंज 50 mm है, तो उससे छोटा आ रहा है एक्स यू, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये जो ऐसा इस टाइप का पोर्शन है ना, ये हो गया अपना डी एफ यानी कि विड्थ ऑफ लेंस, और एक्स यू से छोटा रहा, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन से छोटा रहा, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस इसके अंदर कहीं पर है, ठीक है ना, उस डिस्टेंस पर, ये
ऊपर से 43.15 mm के डिस्टेंस पर, यानी कि ये अपना सेटिस्फाई हो गया, एजम्पशन सही है, ये रॉन्ग लिखा गया गलती से, ये आप लोग एजम्पशन इज करेक्ट, ठीक है, और एजम्पशन सेटिस्फाइज हियर। तो काम बन गया अपना, एक्स यू मिल गया अपने को, न्यूट्रल एक्सिस मिल गया, न्यूट्रल एक्सिस का पोजिशन मिल गया, तो एम आर निकाल दो। एम आर कैसे, ये सी इंटू टी से निकाल दो, सी यानी कि 0.36 एफ सी के एक्स यू, बी एफ सी के बोले तो 25, एक्स यू बोले तो 300, सॉरी बी बोले तो 300, एक्स यू बोले तो अभी हम लोगों ने निकाला 43.25, है ना। ये हो गया एल ए न्यूट्रल, ये एल ए यानी कि लीवर आर्म, यानी कि क्या हो जाएगा 360, यानी कि पूरा डेप्थ था जो 360 रेनफोर्समेंट तक, है ना, स्मॉल डी माइनस 0.42 एक्स यू, माइनस 0.42 एक्स यू, है ना, ये सिंस कॉन्क्रीट का है। तो सी जी कहाँ पर आएगा, 0.42 एक्स यू पे ऊपर से, ठीक है ना। तो अपना काम बन गया, तो यहाँ पर ये अपना आंसर आ गया। तो वही है, यहाँ पर एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ना, कि एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ टी एंड एल सेक्शन, बॉक्स सेक्शन, आई सेक्शन, इन्वर्टेड टी सेक्शन, इन्वर्टेड एन एल एंड एल सेक्शन, यू एंड इन्वर्टेड यू सेक्शन एटसेट्रा आर डन बाई यूजिंग प्रोसीड्यूर एज इलस्ट्रेटेड इन दिस चैप्टर, ठीक है ना। तो जैसा भी हम लोग देखते आ रहे हैं वैसा ही होगा। तो अब इसमें बस ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, ये कर लोगे तो ये यूनिट ख़त्म हो गया, ठीक है। इसलिए इसी क्वेश्चन के कारण और एक लेक्चर इसमें ये करना पड़ गया, इसलिए 3 लेक्चर का चैप्टर हो गया ये। तो कोई बात नहीं, इतना चलता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, और 5.5 डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज सेक्शन, ये कन्वेंशनल में आता है सिर्फ, ठीक है ना, ये एसएससी जेई की कन्वेंशनल में आ सकता है, और फिर ईएस के भी कन्वेंशनल में ये आते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके एकेडमिक्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम्स में, आरसीसी के सेमेस्टर एग्जाम्स में। देखते हैं डिज़ाइन स्टेप, देखिए स्टेप वन, कैलकुलेट डिज़ाइन या फिर फैक्टर या फिर अल्टीमेट जो भी बोलो वो मोमेंट निकालना है, अपने को डिज़ाइन मोमेंट निकालना है। स्टेप टू में क्या है, कैलकुलेट एक्सियल लिमिट एंड बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्लेंज थिकनेस कैलकुलेट एमयू लिमिट, है ना। पहले तो क्या करना है, एक्सियल लिमिट निकालना है, ठीक है ना, जैसे हम लोग निकालते आ रहे हैं एक्सियल लिमिट। उसके बाद क्या करना है, और न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन जहां पर मिलेगा अपने को, ठीक है, फ्लैंज थिकनेस के हिसाब से, ठीक है ना, फ्लैंज थिकनेस के हिसाब से न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन जहां पर मिलेगा उस हिसाब से अपने को एमयू लिमिट निकालना है, ठीक है ना। पहले डिज़ाइन मोमेंट और फिर एमयू लिमिट निकालना है, और फिर अपने को दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना, और कंपेयर करके ये पता करेंगे ये अंडर एनफोर्स्ड है या फिर ये ओवर एनफोर्स्ड है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बीएमयू क्या है, अगर मान लो बीएमयू इफ़ ग्रेटर, बीएमयू ग्रेटर देन एमयू लिमिट, यानी कि लिमिटिंग से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, डबली रेनफोर्स हो जाएगा, ठीक है ना, डबली रेनफोर्स्ड फ्लैंज सेक्शन इज डिजाइंड। और इफ़ बीएमयू लेस देन और इक्वल टू एमयू लिमिट देन सिंगली रेनफोर्स्ड अंडर, सिंगली अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन इज डिजाइंड, ठीक है। तो इस केस में हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करेंगे। तो ये तो अपना करते आ रहे हैं हम लोग, पहले भी हम लोगों ने देख चुका है, सिमिलर सा है कुछ, ठीक है। अब देखो स्टेप फोर में क्या है, एज्यूम एक्स यू इज इक्वल टू डी एफ एंड कैलकुलेट एम आर वन, है ना। अब क्या बोला है इसने कि एज्यूम करो एक्स यू कहाँ है, जितना डेप्थ ऑफ फ्लैंज दिया हुआ है उसके बराबर एज्यूम करो और एम आर वन निकाल लो, ठीक है। इफ BMU, जो BMU हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, इज लेस देन और इक्वल टू MR1 देन न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लैंज, सही बात है। अगर BMU कम है MR1 से, है ना, अगर MR1 ज़्यादा आया है, यानी कि क्या है, और BMU कम है, जो BMU निकाला था हम लोगों ने, यानी कि जो कैलकुलेट किया है वो कम है, यानी कि ऊपर है अपना फ्लैंज में है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस में, न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में है। एंड ए एस टी इज़ कैलकुलेटेड एज पर फॉलोज, और एस टी कैसे निकालेंगे, वही सेम फार्मूला, ठीक है, ए एस टी इज इक्वल टू 0.5 एफ सी के बी डी बाई एफ वाई इन टू 1 - √4.6 बी एम यू बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। ये एफ सी के बी डी और यहाँ पर एफ सी के बी डी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर 0.5 बाई एफ वाई और यहाँ पर 1 - √4.6 बी एम यू, यही तो याद करना है अपने आपको, अपने को, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए तो आगे क्या है, फिर ये मिल रहा है अपने को, कुछ डायग्राम ऐसा मिल रहा है ना, कि बी एम यू लेस देन एम आर वन, ठीक है, अगर एक्स यू इज इक्वल टू डी एफ है तो ये ऐसा न्यूट्रल एक्सिस इसके बराबर में आएगा, ठीक है। इफ़ एम आर वन इज लेस देन बी एम यू, है ना,
देखिए ये कंडीशन में क्या था ऊपर, इफ़ बी एम यू इज़ लेस देन एम आर वन। अब इस कंडीशन में देखो, इफ़ एम आर वन इज़ लेस देन बी एम यू, अगर एम आर वन जो कैलकुलेट किया हम लोगों ने वो बी एम यू से छोटा है, बी एम यू से छोटा है, ठीक है ना, जो एम बी एम यू हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया उससे छोटा है, और ये जो बी एम यू है ये भी लेस है किससे, एम यू लिमिट से, देन न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब। तो इस कंडीशन में क्या आता है अपना, न्यूट्रल एक्सिस वेब में आता है। सो एज्यूम एक्स यू इज इक्वल टू 7/3 df, है ना, तो इस कंडीशन में क्या मानेंगे हम लोग, एक्स इज इक्वल टू 7/3 df, है ना, यानी कि df क्या हो गया, df इज इक्वल टू 3/7 xu, है ना, यानी कि ये तो जाना सुनना कुछ लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है अपना 3/7 xu, है ना, यानी कि जो नॉर्मल ये अपना क्या होता है स्ट्रेस ब्लॉक एनालिसिस जो करते हैं हम लोग, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेन है ना ये कहाँ से आता है, ऊपर से 3/7 xu पर आता है, ठीक है, ठीक है, जो न्यूट्रल एक्सिस है उसका 3/7 पार्ट पे आता है ऊपर से, और न्यूट्रल एक्सिस से देखा जाए, नीचे से देखें तो हम लोग 4/7 xu पर आता है, ठीक है ना, ये चीज़ है वो, तो वही है। तो एक्स यू कितना हो गया, ये 7 इधर चला गया, 3 नीचे आ गया, यानी कि 7/3 df, ठीक है। तो अब कैलकुलेट एम आर टू, है ना, तो अगर ये कंडीशन रहे कि एम आर अगर छोटा है बी एम यू से, बी एम यू छोटा है एम यू लिमिट से, तो न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब, एंड एंड सो एज्यूमिंग एक्स यू इज इक्वल टू 7/3 df, एंड कैलकुलेट एम आर टू, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या है, एक मिनट एक मिनट, हाँ सही है। तो ये एम आर टू जो है ना, एम आर टू कैसे कैसे कैलकुलेट करने का, ये एम आर टू केस वन और केस टू ऑफ 5.4.2.2, ठीक है ना, ये 5.4.2.2 के केस वन या केस टू किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिफरेबल क्या है अपना केस वन, क्यों, क्योंकि केस टू में हम लोगों ने देखा था वाई एफ कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी कि 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 df था, ठीक है ना, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है अपने को केस टू में, इसलिए केस वन हम लोग कैलकुलेट करेंगे 5.4.2.2, यानी कि मैं आपको दिखा दूँ एक बार, रिवाइज हो जाएगा, आने वाला है ये देखिए, तो ये है 5.4.2.2 का केस वन, है ना, यानी कि एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ, ठीक है, यानी कि वेब में, पहली बात वेब में आ गया, एंड डी एफ लेस देन और इक्वल टू 3/7 xu, तो इसलिए अभी हम लोगों ने इक्वल माना है, ठीक है, डी एफ लेस देन और इक्वल टू 3/7 xu, ठीक है ना, डी एफ क्या है, लेस देन और इक्वल टू 3/7 xu है, ठीक है ना, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या माना है, इक्वल माना है, ठीक है ना, डी एफ लेस देन और इक्वल टू 3/7 xu, तो डी एफ यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसको इधर करो, 3/7 xu, है ना, तो डी एफ इज इक्वल टू 3/7 xu आ रहा है, आ रहा है ना, तो इक्वल लिया हम लोगों ने यहाँ पर इसीलिए, ठीक है, यानी कि एक्स यू इज इक्वल टू 7/3 df। इफ एम आर टू इज लेस देन और इक्वल टू बी एम यू, एंड बी एम यू इज लेस देन और इक्वल टू एम यू लिमिट, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था कंडीशन, इफ एम आर वन लेस देन बी एम यू एंड बी एम यू लेस देन एम यू लिमिट, है ना, अब एम आर टू आ गया, एम आर टू अभी कैलकुलेट किया, तो एम आर टू कब आ गया, देखो इफ एम आर टू इज लेस देन बी एम यू और इक्वल टू बी एम यू एंड बी एम यू लेस देन और इक्वल टू एम यू लिमिट, तो इस केस में क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेव, यानी कि एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ एंड डी एफ लेस देन और इक्वल टू 3/7 xu, ठीक है ना, वही बात है, तो देखते हैं, ये देखिए ये क्या है अपना, ये एम आर वन लेस देन बी एम यू एंड बी एम यू लेस देन इक्वल टू एम आर टू, ये सारे का कंडीशंस, एक मिनट मैं इसको दिखाऊं कहाँ से, हाँ देखिए, तो यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग इधर से देखो, एक्स यू
इज इक्वल टू डी एफ जब है, ठीक है ना, जब एक्स यू डी एफ के बराबर है, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन ये रहा बिल्कुल, है ना, फ्लेंज के ये बॉटम पोर्शन जो है ना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। ओह शिट, एक मिनट। तो देखिए ये अपना एक्स इज इक्वल टू डी एफ है ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, एम आर वन, ठीक है। ये एक्स यू इज इक्वल टू 7/3 डी एफ, यानी कि डी एफ इज इक्वल टू 7/3 एक्स यू है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एक्सिस अपना कहाँ बनेगा, यहाँ, है ना, एम आर टू निकालेंगे, जिसके कारण हम लोग, ठीक है ना, जो अभी हम लोगों ने देखा ऊपर। और ये एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिमिट, एक्स इज इक्वल टू एक्स यू लिमिट, यानी कि वेब में आ जाएगा, है ना, न्यूट्रल एक्सिस, और इस पोजिशन पर आएगा बॉटम साइड थोड़ा, तो एम यू लिमिट यहाँ पर निकालेंगे हम लोग। यानी कि ये देखिए ये जो केस है इन दोनों के बीच में तब आएगा, यानी कि तीन केस अपना बन रहा है अपना इधर, ठीक है। तो जब ये कंडीशन आएगा, ठीक है, जब क्या आएगा अपना, ये कंडीशन एम आर वन इज लेस देन बी एम यू एंड बी एम यू लेस देन और इक्वल टू एम आर टू, जब ये कंडीशन आएगा, ठीक है ना, तो न्यूट्रल एक्सिस अपना इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा, ठीक है। और जब ये कंडीशन आएगा एम आर टू लेस देन बी एम यू एंड बी एम यू लेस देन एम यू लिमिट, ये वाली कंडीशन, तो न्यूट्रल एक्सिस अपना इन दोनों के बीच पे कहीं पर आएगा, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस ये वेब पर यहाँ में यहाँ कहीं पर भी कब आएगा, किस कंडीशन में, जब नॉर्मल ये कंडीशन सेटिस्फाई हो अपना, एम आर वन इज लेस देन बी एम यू एंड बी एम यू लेस देन और इक्वल टू एम यू लिमिट, ये कंडीशन आएगा तो ये पता चलेगा अपने को कि ये वेब में होगा, ठीक है ना, न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन अगर इस टाइप के कंडीशन मिलते हो अपने अपने को, ठीक है ना, कि एम आर वन लेस देन बी एम यू, ठीक है ना, एंड लेस देन इक्वल टू एम आर टू, तो यहाँ पर अपने को इस कंडीशन में मिलेंगे न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और एम आर टू लेस देन बी एम यू विच इज़ लेस देन एम यू लिमिट, तो इस कंडीशन में यहाँ पर मिलेगा अपने को न्यूट्रल एक्सिस इस जोन में। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन ये भी समझ में आ जाएगा, नीचे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो एक एग्जाम्पल में सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा अपना जो भी कन्फ्यूजन है। तो आगे आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना, एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए बी एम यू इज इक्वल टू एम आर, ठीक है, इक्वेट करो दोनों को, बी एम यू और एम आर को इक्वेट करेंगे तो एक्स यू अपने को मिल जाएगा, ठीक है। बी एम यू एम आर को इक्वेट करेंगे केस वन ऑफ 5.4.2.2, ठीक है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक्स यू मिल जाएगा। फॉर ए एस टी एरिया ऑफ स्टील की सी इज इक्वल टू टी, यानी कि सी, सी क्या, इसको हम लोग तो पार्ट वाइज करके बनाते हैं, यानी कि, है ना, यानी कि सी वन प्लस सी टू हो जाएगा इज इक्वल टू टी, यानी कि ए एस टी अपने को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और इफ ये कंडीशन तीसरा है अपना, ठीक है ना, ये देखो ये कंडीशन जो है ना, ये अपना ये दोनों तो हमने देख लिया, ये है ना, ये देखो एम आर वन लेस देन बी एम यू इज लेस देन इक्वल टू एम आर टू, ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब एंड डी एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/7 एक्स यू, है ना, डी एफ क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, 3/7 एक्स यू से, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टेप 6 में क्या है, ए एस टी कैलकुलेटेड एबव शुड बी रिटर्न विद इन परमिसेबल लिमिट, है ना, ए एस टी को हम लोग परमिसेबल लिमिट में लेंगे, वही परमिसेबल लिमिट के लिए तो एक ही फॉर्मूला पता है आपको, ए एस टी मिनिमम बाय बी डी, यानी कि बी डब्ल्यू डी यहाँ पर हो जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, है ना, शुड बी ग्रेटर देन 0.85 by FY, ठीक है, यानी कि ए एस टी मिनिमम क्या हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन ये बी डब्ल्यू, यानी कि बी एफ डब्ल्यू को उस साइड ले जाओ इंटू बी डब्ल्यू डी, ये पूरा कैलकुलेट करो तो जो भी आएगा, है ना, ए एस टी शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ए एस टी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, अगर ए एस टी मिनिमम आपके इससे इससे ज़्यादा आया है तो फिर सही है आपका वैल्यू, ठीक है। और ए एस टी शुड बी लेस और इक्वल टू मैक्सिमम लिमिट, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ए एस टी शुड बी लेस, कम होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम लिमिट कितना होना चाहिए, इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एस टी लिमिट, ए एस टी लिमिट, है ना, जो ए एस टी लिमिट निकलेगा अपना, या फिर 0.04 BD, यानी कि 0.04 BWD, यानी कि 4% पूरे ग्रॉस एरिया का, ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है, जो कि उसमें भी हम लोगों ने देखा था, सेम था, ठीक है।
तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा इससे, नहीं तो ऐसे आपको मतलब कोई समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल ध्यान से देखना आप लोग, देखिए पहले इसको क्वेश्चन को समझो। डिजाइन द सेक्शन गिवन बिलो फॉर अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट 650 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो ये अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर दिया हुआ है 650 किलो न्यूटन मीटर। दिस सेक्शन इज यूज इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ इफेक्टिव स्पान 7 मीटर। तो ये बी एफ क्या दिया हुआ है अपना 1500 मीटर, ठीक है, mm, सॉरी mm, ये हो डेप्थ हो गया, डी एफ हो गया 100 mm, ये हो गया 650 mm, M20 कंक्रीट, Fe415 स्टील, ये बी डब्ल्यू यानी कि विड्थ ऑफ वेब 400 mm, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पता है हम लोग क्या करते हैं, है ना। तो देखिए एक चीज़ देखिए, बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। यहाँ पर ये बी दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि बी एफ क्यों निकाल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना, बी कितना भी बड़ा हो, है ना, टी सेक्शन आई सेक्शन में कुछ ही पोर्शन इसका इफेक्टिव रहता है जो कि बीम के साथ बेंड करता है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग क्या निकालते हैं, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ, तो ये हो गया बी एफ, ठीक है ना, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ हो गया बी एफ, यानी कि हम लोग बी एफ निकालेंगे, ठीक है ना। तो बी एफ निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, बी एफ इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू और बी दोनों में से जो कम होगा। तो एल नॉट यानी कि एल नॉट क्या हो गया अपना, एल नॉट हो गया अपना 7000 यानी कि 7 मीटर जो इफेक्टिव स्पान है, ठीक है, उसको हम लोग एल नॉट लेते हैं, याद रखना। बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये बी है ये वही हो जाएगा 1500 mm, ठीक है, प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू क्या हो जाएगा 400 mm, सही है। तो ये दोनों में से अपने को मिनिमम कितना मिला, ये ऊपर वाले का कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, तो 1207.69 mm आ रहा है, और नीचे नीचे वाला 1500 mm आ रहा है, यानी कि बी एफ कितना मिला अपने को 1207 mm, ठीक है। अब स्टेप वन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये तो बी एफ कैलकुलेट करना था, स्टेप वन यहाँ से हम लोगों ने देख रखा था अभी जो स्टेप देखे थे। तो बी एम इज इक्वल टू 650 mm, 650 किलो न्यूटन मीटर ये दिया हुआ था अपना क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। फिर एक्चुअल लिमिट ये जो यहाँ पर है एक्चुअल लिमिट 0.48D यानी कि 312 mm आया, जो कि एक्चुअल लिमिट इज ग्रेटर देन डी एफ, यानी कि डी एफ कितना था अपना, डी एफ था 100 mm, है ना, डी एफ था अपना 100 mm, देख लो यहाँ पर, ठीक है, ये डी एफ अपना 100 mm है और एक्चुअल लिमिट अपना कहीं यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, 320 mm पे आ रहा है। एंड डी एफ लेस देन 3/7 एक्चुअल लिमिट, चलो ये चेक करते हैं, ये कंडीशन दूसरा वाला जो है ये चेक करते हैं, ठीक है ना। डी एफ इज इक्वल टू 3/7 एक्सयू लिमिट, यानी कि एक्सयू लिमिट कितना हो जाएगा, एक्सयू लिमिट हो जाएगा डी एफ इंटू 7/3, यानी कि डी एफ कितना है भाई 100 × 7/3, यानी कि 700/3, यानी कि 233.33 आएगा इसका, ठीक है, 233.33, 233.33, ठीक है। यानी कि एक्सयू लिमिट शुड बी ग्रेटर देन, एक्सयू लिमिट कितना आया, एक्सयू लिमिट शुड बी ग्रेटर देन, इसको हम लोगों ने इधर किया था, शुड बी ग्रेटर देन 233.33, है ना, ये कंडीशन आ रहा है अपना, देखो आ रहा है भाई, एक्सयू लिमिट इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू है 233.33, यानी कि 312 है, ठीक है ना। तो 233 से बड़ा है एक्सयू लिमिट अपना, यानी कि 312 mm है, यानी कि कंडीशन यहाँ पे सूट कर रहा है। तो देखो अब क्या निकालेंगे हम लोग, इसके कोरस्पॉन्डिंग एमयू लिमिट निकालेंगे, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए है ना, कैलकुलेट एक्सयू लिमिट निकाला हम लोगों ने एक्सयू लिमिट अभी, एंड बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्लैंज थिकनेस कैलकुलेट एमयू लिमिट। तो अभी हम लोग वो एमयू लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग एमयू लिमिट कैलकुलेट करने अभी जा रहे हैं, हम लोग ऐसे मिला मिला कर चलेंगे देख देख कर साथ में, तो फिर सही समझ में आएगा। तो एमयू लिमिट क्या हो जाएगा, एमयू लिमिट केस वन ऑफ 5.4.2.2, है ना, ये 5.4.2.2 के केस वन से हम लोग देखेंगे। तो यही है, ये तो वही है, वही फॉर्मूले हैं,
0.36 एफ सी के एक्स यू बी यानी कि बी डब्ल्यू, ठीक है। बी डब्ल्यू क्यों, ये बी डब्ल्यू क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ये इसको दो पार्ट में ऐसा लिया था, एक ये रिन्फोर्समेंट और एक ऐसा लिया था ये डॉट 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 डॉट, है ना। तो ये बी डब्ल्यू इसके लिए है, और दूसरे में क्या आएगा, ये वाले का आएगा यानी कि बी एफ माइनस बी डब्ल्यू बाय बी एफ माइनस बी डब्ल्यू आएगा, ठीक है ना। तो ये देखो आप लोग कैसे आ रहा है, ये देखो 0.36 एफ सी के एक्स यू लिमिट बी डब्ल्यू सही है, डी माइनस 0.042 एक्स यू लिमिट सही है, फॉर्मूला आप लोग देख लेना पीछे, ठीक है। प्लस 0.45 एफ सी के सही है, डी एफ एरिया हो गया, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम जा रहा है, सही जा रहा है हम लोग। और ये डी माइनस लीवर डी माइनस टी एफ बाई टू लीवर आर्म हो गया, सारे वैल्यू पुट किया हम लोगों ने, तो एम यू लिमिट अपने को 902.09 किलो न्यूटन मीटर मिला, ठीक है ना। ये बिल्कुल 5.4.2.2 पे जाना, आप 5.4.2.2 पे बिल्कुल सेम मिलेगा आपको, ठीक है ना, कोई चेंजिंग नहीं है केस वन पे। ये देखो दिखा दूँ मैं आपको, ये केस वन अपना, ठीक है, यही चीज़ है ना, ये देखो ये पूरा ये चीज़ है 0.36 एफ सी के एक्स यू बी डब्ल्यू डी माइनस 0.42 एक्स 0.42 एक्स यू है ना, फिर 0.45 एफ सी के डी एफ बी एफ माइनस बी डब्ल्यू डी माइनस डी डी एफ बाय टू, है ना। सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है, कुछ ये याद नहीं करना है, बस आप लोग समझ लो अच्छे से, ठीक है ना, फिर समझ में आ जाएगा सारा ऑटोमेटिकली कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है, कहाँ से कौन सा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो बताना मुझे, ठीक है। तो ये देखिए, तो वही चीज़ है, वैल्यू पुट करने के बाद 902.09 किलो न्यूटन मीटर आया अपना एम यू लिमिट, है ना। अब देखिए बी एम यू जो हम लोगों ने देख रखा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 650 जो वैल्यू दिया हुआ है, वो क्या है, लेस है, लेस है इस वैल्यू से, एम यू लिमिट से लेस है, है ना। सो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इससे क्या पता लग रहा है अपने को, कि अपने को सिंगली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करने हैं। स्टेप थ्री कहाँ गया, स्टेप थ्री में देखते हैं हम लोग क्या है, ये देखिए, है ना। तो इससे अपने को पता चला स्टेप थ्री से कि सिंगली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करने हैं। अब स्टेप फोर में क्या है, एज्यूम एक्स यू इक्वल टू डी एफ एंड कैलकुलेट एम आर वन, है ना। एक्स यू को डी एफ के बराबर मानना है एंड कैलकुलेट एम आर वन, और एम आर वन अपने को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग स्टेप फोर देखते हैं। तो स्टेप फोर में क्या है, एज्यूमिंग एक्स यू इज इक्वल टू डी एफ, है ना, यानी कि एक्स यू को हम लोगों ने डी एफ की इक्वल मान लिया, 100 mm मान लिया। एम आर वन किसके अकॉर्डिंग, 5.4.2.1, है ना, 5.4.2.1 पे हम लोग चलते हैं, एक मिनट, ये रहा 5.4.2.2 है, ये क्लियर हो जाएगा अगर देखते चलेंगे तो, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन में रहोगे आप लोग। तो 5.4.2.1 है ना, न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लैंज, एक्स यू इज इक्वल टू और लेस देन डी एफ, है ना। ये देखिए ये था, ठीक है, एम आर सी इन टू एल ए, ठीक है, वही चीज़ है, मतलब ले देकर वही फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो आते हैं हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पर। तो ये देखिए, तो सी इंटू एल ए है, वही सी इंटू एल ए था अभी देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो सी इंटू एल ए है, तो सी क्या है, 0.36 एफ सी के एक्स यू बी, ये तो रटा गया है बिल्कुल, दिमाग में सेट हो गया आप लोगों का। और एल ए क्या है, डी माइनस 0.42 एक्स यू, बिल्कुल सिंपल है। तो ये एम आर वन अपना 528.37 किलो न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है, ये अपना एम आर वन इतना आया, जो कि बी एम यू जो हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में 650 जो है ना, 650 है बी एम यू, उससे छोटा है ना, 650 से छोटा है। और अपना जो एम यू लिमिट है वो कितना आया था, एम यू लिमिट अभी निकाला 902.09 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि जो एम आर वन आया वो किससे छोटा है, एम यू लिमिट से, एम यू लिमिट किससे छोटा है, सॉरी एम आर वन छोटा है बी एम यू से, बी एम यू किससे छोटा है, एम यू लिमिट से, ठीक है, ये कंडीशन अपना आ रहा है, ठीक है। तो एक बार हम लोग डायग्राम पे देखते हैं, जो अभी हम लोगों ने स्टेप पे डायग्राम देखा था स्टेप्स में, सिंस एम आर वन लेस देन बी एम यू एंड बी एम यू लेस देन एम यू लिमिट, ठीक है, कहाँ गया, एम आर वन लेस देन बी एम यू लेस देन एम यू लिमिट, ये रहा अपना, है ना। तो ये रहा अपना, ये राइट साइड में दी हुई है, ठीक है, ये देखिए ये वाली, ठीक है, ये वाली।
तो यानी कि इस कंडीशन के हिसाब से अपना इस जोन में आएगा अपना एक्सयू, ठीक है। तो देखते हैं आगे, फिर पता चलेगा अपने को। इसी इसी तरह से स्टेप्स देखते हुए मिलाते हुए करेंगे ना, तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखिए, तो सिंस एम आर वन लेस देन बी एम यू एंड बी एम यू लेस देन एम यू लिमिट, सो एज्यूमिंग एक्स यू इज इक्वल टू 7/3 df, ठीक है ना। तो एक्स यू को हम लोग 7/3 df मानेंगे, यानी कि डी एफ यानी कि 3/7 xu, यही हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो एक्स यू हम लोग क्या मानेंगे, तो डी एफ तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे ना, तो हम लोग एक्स यू के टर्म में निकालेंगे ना, तो एक्स यू हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि डी एफ तो चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है, इसीलिए हम लोग एक्स यू एज्यूम कर रहे हैं। इसलिए बस ये फॉर्मूला बता दिया मैंने क्या है ना, ये बता दिया कि डी एफ इक्वल टू 3/7 xu है। तो एज्यूम एक्स यू इज इक्वल टू 7/3 df। एम आर टू कितना निकल रहा है, एम आर टू, इसीलिए एम आर टू निकालेंगे हम लोग, है ना, केस वन ऑफ 5.4.2.2, ठीक है। देखिए एक बार फिर से हम लोग स्टेप्स पे आते हैं, फिर से स्टेप्स पे आते हैं, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया एक्स यू डी एफ के इक्वल माना, एम आर वन हम लोगों ने निकाल लिया, और अब क्या है अपना एम आर वन जो है ये अपना ये सेट हो रहा है, ये अभी ये कंडीशन सेट हो रहा है, ये ऊपर का जो कंडीशन दिया हुआ था बी एम यू लेस देन और इक्वल टू एम आर वन, ये अपना सेट नहीं हुआ क्योंकि अपना बी एम यू 650 है और एम आर वन अभी कम आया, ठीक है ना। तो ये अपना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेव, हम लोगों ने एज्यूम किया एक्स यू इज इक्वल टू 7/3 df एंड कैलकुलेट एम आर टू। एम आर टू निकालेंगे अब केस वन का यूज़ करके, बस वही है और कुछ नहीं है। देखिए तो एम आर टू निकालेंगे हम लोग, ठीक है, केस वन का यूज़ करके, यानी कि वही है सी इंटू LA1 प्लस सी सी टू इंटू LA2, ठीक है। सी को मानकर चले तो है ना, सी इंटू LA यानी कि C1 × LA1 प्लस C2 × LA2, तो वही फॉर्मूला फिर से ले देकर यूज़ हो रहा है, 0.36 FC के XUB, D-0.42 XU, और C2 के लिए क्या था अपना, ये D-0.42 XU लीवर आर्म था C1 के लिए, इसके लिए D-DF/2 था, ठीक है ना, जो ये पोर्शन वाला था, याद है ना आप लोगों को, टर्न करके देख लेना एक बार, ठीक है। तो यही सेम फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है ना, सारा वैल्यू पुट करो तो MR2 अपना निकल आएगा 806.72 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। यानी कि अब जो अपना आया, अब अपना क्या आ रहा है स्टेप 6 में हम लोग देख रहे हैं, है ना, कि MR1 जो है छोटा है, BMU 650 है उससे बड़ा, और BMU से बड़ा क्या आ रहा है अपना MR2 आ रहा है ना, यानी कि 806.72 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। तो फॉर एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस BMU इज इक्वल टू MR, है ना, BMU इज इक्वल टू MR केस टू ऑफ 5.4.2.2। ये देखिए ये स्टेप्स में लिखा हुआ था, मैं दिखा दूँ एक बार फिर से, ठीक है, ये स्टेप्स में लिखा हुआ था, ये देखिए है ना, फॉर एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये देखिए फॉर एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस BMU इज इक्वल टू MR, यानी कि इससे अपने को एग्जैक्ट पोजिशन मिल जाएगा एक्स यू का, ठीक है। तो वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं दोबारा से वापस से, एक चीज़ यहाँ मिस हो रहा है, यहाँ एक मिनट, हाँ सही है, ये हम लोग केस टू ऑफ 5.4.2.2 यूज़ करेंगे, ठीक है, एक मिनट, तो वही चीज़ है। यहाँ पर हम लोगों ने बी एम इक्वल टू MR माना, एज्यूम किया, ठीक है, बी एम इक्वल टू MR से अपने को क्या मिल जाएगा, हम लोग जो पुट करेंगे वैल्यूज़, ठीक है, उससे अपने को मिल जाएगा जो भी अननोन वैल्यू है, यानी कि एक्स यू मिल जाएगा अपना एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है ना। बी एम यू कितना है अपना, 650 निकला था, 650 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि इसको न्यूटन मीटर में चेंज करेंगे तो 10^6 इंटू हो जाएगा। एम आर क्या है, एम आर वही है केस टू से, केस टू यानी कि चलो ऊपर देखते हैं एक बार केस टू क्या है, ये देखो केस टू अपना, ये केस टू का फॉर्मूला रहा, ये रहा है ना। तो केस टू से क्या था, एम आर सी इंटू LA1 प्लस सी इंटू C2 × LA2 यानी कि 0.36 FC के XUB इंटू D-0.42 XU, और यहाँ पर YF का यूज़ हो रहा था, 0.45 FC के YF, BF-BW D-YF/2, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर पुट करते हैं सारे वैल्यूज़, ये देखिए
तो ये अपना ये रहा, तो 0.36 एफ सी के एक्स यू बी ये हो गया अपना सी वन, डी माइनस 0.42 एक्स यू ये हो गया अपना एल ए वन, ये हो गया सी टू यहाँ से यहाँ तक 0.45 एफ सी के वाई एफ बी एफ माइनस बी डब्ल्यू सी टू इंटू एल ए टू यानी कि डी माइनस वाई एफ बाई टू है ना। तो वाई एफ का वैल्यू अपने को पता है 0.415 एक्स यू प्लस 0.65 डी एफ, ठीक है। ये सारे वैल्यू हम लोगों ने पुट किया, एक्स यू अननोन है बाकी सब कुछ नोन है, तो हम लोगों ने सॉल्यूशन करके निकाल लिया, सॉल्व किया कैलकुलेट किया, एक्स यू इज इक्वल टू 155.26 mm, ये अपना आ गया क्या एक्स यू का एग्जैक्ट पोजिशन, ठीक है। अब एग्जैक्ट पोजिशन मिल गया अपने को, तो ए एस टी के लिए सी इज इक्वल टू इक्वेट करेंगे यानी कि सी यानी कि सी वन प्लस सी टू यानी कि यही वापस से यही फार्मूला है ना, यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग सी वन प्लस सी टू के लिए है ना, ये सी वन ठीक है और ये सी टू यही यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये देखो है ना यही चीज़ है कुछ नहीं है। तो 0.36 एफ सी के एक्स यू बी डब्ल्यू, 0.45 एफ सी के एफ वाई एफ बी एफ माइनस बी डब्ल्यू और ये रहा अपना टी 0.87 एफ वाई ए एस टी, तो ये ए एस टी है ना यही यहाँ पर अननोन है, सारे वैल्यूज अपने को पता है, तो ए एस टी इससे निकल जाएगा अपना ए एस टी, इसको उस साइड कर दो इक्वल टू के इस साइड कर दो ठीक है, तो ए एस टी इज इक्वल टू 3014.5 एम एम स्क्वायर, बस आ गया अपना यही तो चाहिए था अपने को ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, ए एस टी निकल गया अपना, तो अगर एनफोर्समेंट निकालने हैं तो जैसा कितना प्रोवाइड करना है ठीक है ना, ये इसमें तो खैर दिया हुआ है बार, तो ये जो जैसे अच्छा बार इसमें दिया हुआ नहीं है तो निकाल लो इसमें रेनफोर्समेंट निकाल लेना है इसमें ठीक है ना, कितने बार से यूज करने हैं आपको, और उस टाइप से जैसा मैंने बताया था यूनिट फोर में यूनिट थ्री में सिंगल रेनफोर्समेंट डबल रेनफोर्समेंट में ठीक है ना, उसी टाइप से निकल जाएंगे बार। तो इस तरह से अपना ये फ्लैंड सेक्शन जो है ना ये अपना ख़त्म हो गया यहाँ पर आज, आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट देखेंगे ठीक है। तो ये एक बार फिर से देख लेते हैं फ्लैंड सेक्शन में आखिर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन यहाँ से यहाँ तक देख लो एक बार रिव्यू हो जाएगा, इफेक्टिव फ्लैंज वेट है ना यहाँ से देखा था वही बी एफ जो अभी निकाला था हम लोगों ने, ये फॉर्मूला था बी एफ का है ना, एल नॉट बाय बी प्लस फोर प्लस बी डब्ल्यू और बी दोनों में से मिनिमम, टी सेक्शन के लिए एल सेक्शन के लिए ये है ठीक है। ये था फिर बीम स्लैब फ्लोर सिस्टम था, इसके लिए बी एफ निकालने का फॉर्मूला अलग था ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स देखे थे हम लोगों ने, इसमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट ठीक है ना, ले देकर वही रिपीट हुए हैं बस थोड़ा सा, ये देखो ये तीनों कंडीशन 5.4.2.2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 5.4.2.2 में क्या है अंडर इन्फो सेक्शन है, 2.1 में ये न्यूट्रल एक्सेस इन फ्लेंज लेकर हम लोगों ने किया है अंडर इन्फो सेक्शन का 5.4.2 में ठीक है ना, 2.1 में, तो ये तो बिल्कुल ईजी है। और ये न्यूट्रल एक्सेस इज इन वेव में दो केस मिले थे अपने को ठीक है, दोनों में देखा फिर उसका एग्जांपल बनाया हम लोगों ने, और ये फाइनली आज अपना ये यूनिट ख़त्म हो गया, आगे हम लोग दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे ठीक है नेक्स्ट इससे। तो ठीक है आज के लिए थैंक यू, और प्लीज़ शेयर कीजिए ठीक है ना, अगर आपको पसंद आए वीडियोज़ तो, और अगर कुछ दिक्कत अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया कीजिए कि ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, ऐसा पढ़ाओ ऐसा पढ़ाओ कुछ भी, अगर कुछ प्रॉब्लम लगे आप लोगों को तो, और अगर सही लगे तो प्लीज़ फीडबैक दिया कीजिए ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले ठीक है, थैंक यू।